हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल रुद्रा एजुकेशन में स्वागत है आपका बहुत बहुत। देखिए, आप जो पिछले लेक्चर्स देख रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि नीचे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, है ना, जितने भी आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। सब लगभग सभी जो भी अभी तक मैंने क्वेश्चन पूछे आपको, न सिर्फ क्लास से बल्कि आप नीचे के जो कमेंट्स भी पढ़ लेंगे ना, तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि मैं सभी चीज़ों को इंटरलिंक कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स को आपस में। क्योंकि वोकैबुलरी तभी सीखी जा सकती है जब आप उसका कोई एग्जाम्पल जो है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उस वर्ड का फिट करेंगे। तो देखिए, 171 जो क्वेश्चन आ रहा है ना, हमने 170 कर लिए हैं, वी हैव डन 3 लेक्चर्स, तो आप वो देखें, बहुत ही शानदार जो है ना। और उसके अंदर बहुत ही स्टूडेंट्स बहुत जोश में, आप आंसर्स ही देखें, केवल अपने आंसर्स दें, कुछ नहीं तो उनको पढ़ तो लें, कम से कम आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है ना। आई विल प्रॉमिस यू कि ना, आप उस आंसर्स को, मेरे लेक्चर्स को देखते जाएंगे तो बहुत मज़ा आता जाएगा आपको। तो देखिए, जो अगला लेक्चर है, अगला जो वर्ड है वो है एक्सपैट्रिएट। पैट्री का मतलब हमेशा याद रखना फादर, एक्स का मतलब अपने फादर लैंड से, जहां पर कोई मूल ओरिजिन है वहां से किसी को निकासी दे देना, है ना। एक्सपैट्रिएट कर देना मतलब होता है देश निकाला दे देना या बैनिश कर देना, है ना। यदि बड़ी संख्या में लोगों की निकासी हो जाती है ना किसी जगह से, तो उसको बोलते हैं एक्सोडस। एक्सोडस, एक्सोडस की कमेंट में स्पेलिंग बताइए, एक्सोडस क्या होता है और उसका डेफिनेशन भी बताइए मुझे, है ना। एक्सपैट्रिएट का मतलब देश निकाला दे देना, बैनिश कर देना, है ना। अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन, तो नहीं, ये थोड़ा सा इसका मीनिंग गलत है। एक्सपैट्रिएट का मतलब तो कोई देश से जानबूझ के बाहर निकाला दे दिया जाता है, तो वो एक्सपैट्रिएट कहलाता है। एक्सपैट्रिएट के और भी सिनोनिम्स मुझे बताइए आप क्या होते हैं। 172 जो है वो फिडेलिटी, ये वर्ड पहले भी आ गया। फिडेल का मतलब विश्वास किया जा सके, फिडेलिटी का मतलब विश्वसनीयता, और इनफिडेलिटी का मतलब अविश्वसनीयता। और अ पर्सन हु इज इनफिडेल इन लव, इसका मतलब क्या है कि वो प्यार में धोखेबाज है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार फिलेंडर इसका सिनोनिम हो सकता है, इनफिडेल का मतलब फिलेंडर, इनक्रेडिबल, इस तरह के सारे वर्ड्स पहले प्रीवियस क्लासेस में हो रखे हैं, है ना। तो फिडेलिटी का मतलब समझ में आ गया, फिडेल का मतलब होता है विश्वसनीयता। आपने कई बार सुना होगा वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। हाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई फिडेलिटी। ये साउंड के लिए हाईफाई, वाईफाई जो है, और लाईफाई, आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो है लाईफाई, लाइट फिडेलिटी, लाईफाई, है ना। तो फिडेलिटी समझ में आ गया होगा, विश्वसनीयता के लिए, लॉयलिटी के लिए आता है, लॉयल, है ना, क्रेडिबल। देखिए, फ्यूजिटिव कानून भारत की सरकार लाई है, भगोड़ा कानून जो ये जो है नीरव चौकसी और जो है ना विजय माल्या जो गए हैं, तो फ्यूजिटिव कानून, फ्यूजिटिव एक्ट लाई है भारत सरकार। तो फ्यूजिटिव इज अ पर्सन हु एस्केप एंड इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बींग कॉट, और वो कोशिश कर रहा है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। बींग कॉट का मतलब कैच से, कैच का कॉट है ये, है ना। ज्योग्राफी सबको पता है, भूगोल होती है, ठीक है। ग्रेगेरियस, मैंने ग्रेग शब्द बताया था, जहां पर भी ग्रेग शब्द आ जाए उसका मतलब ग्रुप में कलेक्शन की बात हो रही है। तो जैसे एलिफेंट इज अ ग्रेगेरियस एनिमल, इसका मतलब क्या है कि हाथी जो होते हैं ना, वो जो है समूह में रहने वाले जानवर हैं, है ना। तो ग्रेगेरियस, वी आर ऑल्सो ग्रेगेरियस, क्योंकि हम हमेशा कम्युनिटी बना के रहते हैं। तो अगला जो वर्ड आ रहा है वो है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है इल्यूजन, मिराज, है ना, मृग मारीचिका जो होता है। हेल्यूसिनेशन का मतलब है भ्रम, इल्यूजन, डेल्यूजन। तो ये सभी वर्ड हेल्यूसिनेशन, कई बार ज्यादा अल्कोहल, शराब पी लेने के कारण या किसी भी ड्रग का नशा करने के कारण हेल्यूसिनेशन, भ्रम में रहता है आदमी, को क्लियर नहीं हो रहा होता है ना, चक्कर आना वगैरह, तो ये हेल्यूसिनेशन है ना। वी आर लिविंग इन अ हेल्यूसिनेशन वर्ल्ड। आप एक बार सोचिए, हम यहाँ पर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक दिन चले जाएंगे, सब कुछ खत्म। तो अपने आप में कई बार क्या है, फिलोसोफर से भी बोलते हैं, दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो हेल्यूसिनेशन, ये संसार भी हेल्यूसिनेशन ही है। देखिए, अगला जो वर्ड है 177, हेडोनिस्ट, एग्जाम में बहुत बार आया है। हेडोनिस्ट जो है ना, वो केवल और केवल अपनी जिंदगी में सुख देखता है, जैसे एपिक्योर और एपिक्योरियन। एपिक्योरियन फिलोसॉफी भी है, चार्वाक ने फिलोसॉफी दी थी, चार्वाक। एपिक्यूरियन का मतलब सभी, बस भौतिक सुख सुविधा, विलासितापूर्ण जीवन, है ना, फिजिकल एस्थेटिज्म, भौतिक सौंदर्य मिलता रहे जिंदगी के में, हर सुख मिलता रहे, बस सुख लेते रहे, तो यही हेडोनिस्ट भी है। तो हेडोनिस्ट और एपिक्यूरियन दोनों ही सिनोनिम है, याद रखना। हर्बीवोरस का मतलब है शाकाहारी, हर्ब जो खाए, है ना, तो ये तो क्लियर, एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स। हेरेसी एग्जाम के लिए बहुत बार आया हुआ वर्ड है। तो देखो, कई बार आप वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं, हेरेसी शब्द है तो नेगेटिव वर्ड है, पहले तो ये याद रखना, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव वर्ड है। देखिए, कई बार क्या होता है, ऑप्शन चार होते हैं ना, तो उसमें से आपको इतना सा भी जजमेंट है ना कि ये वर्ड नेगेटिव है,
तो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी वाले जो वर्ड है ना उसको तो ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए दो पॉजिटिव वर्ड थे, दो नेगेटिव थे, तो दो तो वैसे एलिमिनेट हो गए, फिर आप क्लोज करके आंसर पता कर सकते हैं। तो दिस इज अ वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है, नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड। और जिंदगी में हम लोग है ना चीजों को दो ही नजरिए से देखते हैं, अच्छी है बुरी है ना, पेसिमिस्ट है या ऑप्टिमिस्ट है, गुड है या बैड है ना, तो बेस्ट है या वर्स्ट है, इस तरह के केसेस में हम हमेशा तुलनात्मक, तो ये हमेशा याद रह जाएगा। हेरेसी, हेरेसी का मतलब होता है कि किसी और के धर्म रिलीजन के है ना क्या करना, मतलब पर्टिकुलर रिलीजन वगैरह के अगेंस्ट बोलना, ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, तो ये हेरेसी होता है, विधर्मी है ना, विधर्मी है ना। तो देखो अगला जो वर्ड आ रहा है वो है ऑनरेरी। ऑनरेरी पोस्ट होती है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, महेंद्र सिंह धोनी इज वर्किंग एज ए कर्नल। कर्नल की स्पेलिंग बताइए, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताइए कमेंट बॉक्स में। इज वर्किंग एज ए कर्नल इन इंडियन आर्मी, लेकिन उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा, इट इज जस्ट एन ऑनरेरी पोस्ट, इट इज जस्ट एन ऑनरेरी पोस्ट। और वैसे ही सचिन तेंदुलकर वर्किंग एज ए ग्रुप कैप्टन, जब वो काम क्रिकेट में थे तो ग्रुप कैप्टन का उनको ऑनरेरी पोस्ट दिया हुआ था। तो ऑनरेरी समझ में आ गया, अवैतनिक विदाउट एनी पेमेंट, लेकिन उन्हें पोस्ट दी गई है ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं साइनेक्योर क्या होता है? साइनेक्योर मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, साइनेक्योर का मतलब बताइए मुझे। हॉर्टिकल्चर का मतलब है बागवानी, पता ही है सबको हॉर्टिकल्चर है ना। पिस्सी कल्चर मछली पालन, सिल्वी कल्चर वनों के को जब हम लोग है ना सिल्वी कल्चर है ना, सेरी कल्चर रेशम, रेशम के लिए आता है सेरी कल्चर है ना, सिल्वी कल्चर वनों के लिए आता है। और बोरी कल्चर, और बोरी कल्चर का मतलब होता है झाड़ियों का अध्ययन जो है ना, हर्ब्स वगैरह झाड़ियों का अध्ययन। तो इस तरह से बहुत सारे कल्चर्स हैं है ना। आप मुझे और भी कल्चर्स के बारे में कमेंट में बताइए, बहुत सारे होते हैं, फ्लोरी कल्चर होता है ना, तो आप मुझे बताइए है ना। एपिकल्चर, एपिकल्चर हो गया है ना, पिगियरी सुअर का पालन जो होता है पिगियरी। तो इस तरह के वर्ड्स मुझे और क्या क्या है बताइए, मुझे लिस्ट बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए स्टूडेंट्स को मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा था 14 जो है अशोक ने जो अपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखवाया था, मैंने पिछले लेक्चर में पूछा था, उन्होंने लिस्ट में आंसर दिए। इसी तरह से कई स्टूडेंट्स ने ना वोकैबुलरी के सिनोनिम एंटोनिम परफेक्ट आंसर्स दिए। तो इसी तरह से आप जोश में रहे, आपका जोश जो है ना आपको बिल्कुल राइट पाथ पे ले जाएगा है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरह से आप आंसर्स दें, और जो नहीं दे रहे आंसर्स वो कम से कम नीचे के ऑप्शंस आंसर्स को जरूर पढ़ें। देखिए स्टूडेंट्स कितना अच्छा आंसर्स दे रहे हैं ना। देखिए यदि आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और समय समय पर आप रोज, जैसे मान लो कि आप 2-3 दिन बाद कहीं बिजी थे फिर आप देख लें, तो आप सभी वीडियोस को देखो, आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट बन जाएगा स्टडी को लेकर, और एक ऐसा लेवल बन जाएगा कि आप स्वतः ऑटोनॉमस हो जाएंगे, सब कुछ अपने आप पढ़ने की चेष्टा आ जाएगी आप। और ये चीज आ गई तो फिर आप दीपो भव, फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप अपने प्रकाश से ही चमकेंगे। तो देखिए हॉर्टिकल्चर इज ओके, बागवानी, हाइड्रोफोबिया सबको पता होता है ना, ये रेबीज जो रोग है, रेबीज जिसके वायरस का नाम रेबडो वायरस है, तो हाइड्रोफोबिया जो है पानी से डर होता है, किसी भी प्रकार का फोबिया, किसी भी शब्द के पीछे फोबिया, मैनिया, इज्म, ITY, TION, शन, SION है ना, ये शब्द लगते हैं ना, तो वो भाववाचक संज्ञा होता है। हाइड्रोफोबिया जल का डर कहाँ है, दिमाग में, दिमाग की एक अवस्था भाववाचक संज्ञा होती है। तो जहां भी फोबिया मैनिया है तो याद रखना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा है। अगला जो है इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन, किसी को इंसेंटिव देना, समथिंग दैट एनकरेज यू टू डू समथिंग, ये पता है ना आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा, यदि मैं भी आपको कुछ इंसेंटिव्स देता हूं तो आप जो है मेरे को प्रेफर करेंगे, तो इंसेंटिव्स जो है अपने आप में बेनिफिशियल होते हैं, ताकि क्या हो सके लोगों में एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट रहे। इन्फेंटिसाइड पता ही आपको, इन्फेंट जब भी है ना नवजात बच्चे के लिए इन्फेंट आता है, इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या हो गया, द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी। इटिनरेंट, इटिनरेरी, इटिनरेरी वर्ड पहले आ गया था, जो घूमने की प्रवृत्ति होती है वो इटिनरेरी, या कोई भी किसी भी आप जो है कोई जर्नी पर जा रहे हैं तो उस जर्नी की जो प्लान बनाते हैं तो उसको इटिनरेरी भी कहते हैं, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि समुद्री यात्रा को है ना, समुद्री यात्रा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बहुत ही शानदार वर्ड है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ना। तो देखिए इटिनरेंट आपको क्लियर हो गया हुआ, इटिनरेंट, जिप्सी, नोमैड है ना, नोमैड, जिप्सी, माइग्रेटर, ये सभी इटिनरेंट के सिनोनिम है ना। जक्स्टापोज क्या होता है, किसी चीज को साइड बाय साइड मिलाना है ना, उनको ऐड करना, मिलाना, किसी भी स्थान को जक्स्टापोज करना, तो ये जक्स्टापोज है। मेडेन जो वर्ड है, मेडेन, आई गेव मेडेन स्पीच इन माई स्कूल टाइम, मतलब मैंने अपने
जिंदगी का प्रथम भाषण दिया था, तो मेडन स्पीच जो है ना वो ईडियम है, प्रथम भाषण। शी इज अ मेडन गर्ल, यदि लड़की के आगे मेडन आ जाए इसका मतलब समझ लेना कि वो अभी नवयुवती है, नवयुवती का मतलब उसकी शादी नहीं हुई है। ऐसे ही जो महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है या जो अनमेरिड गर्ल्स हैं तो उनके लिए जो वर्ड आता है वो आता है स्पिंस्टर, लेकिन वो ओल्ड लेडी होती है, ओल्ड वुमेन जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। एक होता है डैमशेल, जो यंग लेडी अभी तक अनमैरिड है, डैमशेल। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि गर्ल्स के डैमशेल्स के ग्रुप को जब वो साथ में जाती हैं तो उनके समूह को क्या बोलते हैं, क्या मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में, तो जरूर बताएं नीचे। देखो ये 188 जो वर्ड है ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, मैसोचिस्ट। ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को अपने हाथ काटने में, अपने आप को ज्यादा पीड़ा देने में, अपने आप को दुख में रखने में बहुत मजा आता है। ये अपने आप में एक तरह का क्या है, साइकोलॉजी है। तो मैसोचिस्ट कौन होते हैं, समवन हु ऑब्स्टेंस प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, किसी को दंड दिया जाता है ना तो उसे बहुत खुशी होती है ना, तो वो मैसोचिस्ट। पर पीड़न कामुक मतलब खुद के ऊपर, है ना, तो ये बात समझ में आ गई कि मैसोचिस्ट ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने आप में पनिशमेंट लेने में मजा आ रहा है। मेगलोमेनिया, देखिए ये वर्ड को मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा होगा बहुत ही ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस तरह की बात करते हैं वो, हमेशा है ना वो एग्जेजरेशन करते हैं, अतिशयोक्ति करते हैं। अभी जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की जो दवा है उसको भी उन्होंने इतना ज्यादा मतलब बोला कि ये ना ये दवा बिल्कुल ठीक कर देगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वो भारत से मांग कर रहे हैं, भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आपको मार्केट खोलना पड़ेगा। तो मेगलोमैनियक इज अ पर्सन जो मेंटल इलनेस होता है और इन अ कंडीशन समबडी हैज एग्जेजरेटेड बिलीफ इन देयर ओन इंपॉर्टेंस, कि हम जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, मैं बदलाव ला दूंगा, बड़ी बड़ी बातें जो है ना, ग्रैंडिलोक्यूशन। मैंने आपसे वर्ड लास्ट लेक्चर में पूछा था ग्रैंडिलोक्यूशन क्या होता है, तो वो बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप में अहंकार में रहना। मैग्लो का मतलब होता है विशाल का सोच रखने वाला, है ना। मैग्लोमैनियक वो भी होता है जो बहुत ज्यादा है ना पैसा धन संपदा को पाने की इच्छा रखता है, वो भी मैग्लोमैनियक कहलाता है। तो दोनों ही है। देखिए कभी भी किसी भी इंग्लिश वर्ड का मतलब एक नहीं होता, मल्टीपल मीनिंग होते हैं, तो ये बात एक आप याद रखेंगे। मीजोगेमिस्ट, आपको पता है मीजो नेगेटिव वर्ड है, गेमी का मतलब विवाह, तो ऐसा व्यक्ति जो विवाह से घृणा करे, हु डू नॉट वॉन्ट टू मैरी, है ना, हु वॉन्ट टू रिमेन सिंगल, है ना, नॉट रेडी टू मिंगल, तो वो क्या है, मिजोगेमिस्ट है। न्यूट्रल आपको पता है, न्यूट्रल, इनसेंसिटिव, कैलस, एपैथी, ये वर्ड आप पिछले लेक्चर देखो मैंने सब पढ़ा दिया, कैलस, एपैथी, है ना, न्यूट्रल, जिसका किसी के प्रति ना कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी को दुखी देखूं तो मेरे को कोई दुख नहीं हो, या किसी के मृत्यु पर भी मुझे दुख नहीं हो रहा, किसी की खुशी पर भी मेरे को मतलब किसी तरह की फीलिंग नहीं है, है ना, इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, तो वही क्या कहलाएगा, न्यूट्रल, तटस्थ, है ना। देखिए अगला जो आ रहा है वो है नॉविस। नॉविस आपको सबको पता है, नॉविस कौन होता है, जो नौसिखिया है, जो अभी नया नया सीखा है, जैसे अप्रेंटिस इसका सिनोनिम है ना, रूकी, ग्रीन हॉर्न, है ना, नॉविस के सिनोनिम है ना, वन हु इज अ ट्रेनी, अभी शुरुआत ही की है जिसने, है ना, हु इज नॉट स्किलफुल, तो ऐसा जो व्यक्ति, अ पर्सन हु इज न्यू हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन स्किल एंड जॉब एंड सिचुएशन, तो वो नॉविस कहलाएगा। देखिए ऑब्स्क्योर क्या होता है, ऑब्स्क्योर का मतलब अनक्लियर, विच इज ब्लर, नॉट क्लियरली विजिबल, तो ये जो चीज है वो क्या कहलाएगी, ऑब्स्क्योर कहलाएगी। ओमनिशियंट, है ना, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ऑब्सोलेट का मतलब। एक और वर्ड का मतलब बताइए, ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स। ओमनिशियंट, ओमनी का मतलब सर्व, शियंट का मतलब साइंस, ज्ञान, शियंट साइंस से बना है ज्ञान, जिसको सभी ज्ञान है, सर्वज्ञ है, तो भगवान के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं, ओमनिशियंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनिशियंट का मतलब सर्वज्ञ जिसे सारा ज्ञान है, ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावर, पोटेंशियल, पोटेंट, सर्वशक्तिमान, ओमनी पोटेंट, और ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंट, है ना, और ओमनिवोरस आपको पता ही है ना, तो ये बात समझ में आ गई। देखो पल्पेबल जो शब्द है 195, उसका मतलब होता है विच कैन बी टच्ड, है ना, जैसे हार्डवेयर पार्ट कंप्यूटर में टच किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल, तो पल्पेबल, है ना, पल्पेबल का मतलब जिसे छुआ जा सके, मतलब टेंजिबल है जो, है ना, इनटेंजिबल जिसे छुआ ना जा सके। तो देखिए अगला जो वर्ड आ रहा है वो है पेरिसाइड, तो आपको पेट्रीसाइड का मतलब पता है पिता की हत्यारा, मैट्रीसाइड का मतलब पता है मदर की हत्यारा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो पिता माता दोनों की हत्या कर दे वही पेरिसाइड कहलाएगा, है ना, तो पॉइंट क्लियर हो गया, पेरिसाइड क्या है, ठीक है। पेट्रीमोनी,
पैट्रिमोनी का मतलब क्या है, पिता से जो संपत्ति प्राप्त होती है हमें, है ना, हमारे वसीयत के तौर पे कह लो या कुछ भी विरासत के तौर पे, प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, तो वो पैट्रिमनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं एलिमनी का मतलब क्या होता है? एलिमनी, एलिमनी कब यूज होता है? एलिमनी तो आपके जुडिशरी में भी एलिमनी दी जाती है, कब दी जाती है बताओ, एलिमनी कब दिया जाता है ना। परसेवेरेंस, परसेवेरेंस जो शब्द है ना, परसेवेरेंस इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय, है ना, हार्ड फॉलोअर ऑफ समथिंग, और विल पावर के लिए परसेवेरेंस आता है, डिटर्मिनेशन के लिए वर्ड परसेवेरेशन है ना। तो लगातार जो अपने उस पर कभी भी है ना, जिसने जो ठान लिया, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि मुझे ये करना है तो करना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, यही परसेवेरेंस। पॉइंट क्लियर हो गया? अ क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए मैं तो ये चीज अचीव करके ही मानूंगा। कभी समय लगे तो अरुणिमा सिन्हा द एम्प्यूटी माउंटेनियर, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतेह की थी, उनके बारे में कहानी पढ़ना तो आपको उनकी इच्छा शक्ति द विल पावर के बारे में पता पड़ेगा। दिस इज व्हाट परसेवेरेंस। पैसिमिस्ट कौन होता है? निराशावादी, है ना, और ऑप्टिमिस्ट ये सब हमने देख लिया है। पैसिमिस्ट जो हमेशा नेगेटिव साइड देखे कि नहीं ये तो होगा नहीं, यूं नहीं होगा, बट वी शुड ऑलवेज बी अ ऑप्टिमिस्ट, हमेशा हेल्दी लाइफ के बारे में बात करें, पॉजिटिव साइड देखें, तो वही पैसिमिस्ट है। स्पेलिंग याद रखना। फिलेंडर, देखो ये वर्ड कैसे बना, फाइल का मतलब लवर, एंड्रू, एंड्रो मतलब मेल, लवर सबसे प्यार करने वाला ऐसा महिला, जो ऐसा पुरुष जो महिलाओं के लिए दिल फेक आशिक है, रेडी टू गिव हिज हर्ट्स टू एनीवन, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक हो इस तरह से, मतलब किसी को भी दिल फेंक रहा है, तो इश्कबाज जो है ना उसके लिए फिलेंडर आता है ना। फिलेंडर व्यक्ति को इनफिडेल भी कहा जाता है। कौन इनफिडेल? कौन जो प्यार में सच्चा ना हो, तो ये बात क्लियर है। फाइलोजाइनिस्ट, फाइलो का मतलब लवर, जाइनिस्ट का मतलब, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले लेक्चर में पूछा था, फाइलोजाइनिस्ट वर्ड आ भी गया। देखिए वह व्यक्ति जो स्त्री को उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता है, मतलब समझ जा, पर्सन हु एस्टीम्स, एस्टीम्स का मतलब सम्मान करना, एस्टीम, रेवरेंस, वेनरेंस, रेस्पेक्ट, ये सभी किसके लिए आते हैं? सम्मान के लिए, रेस्पेक्ट के लिए। कुडोस, प्रसिद्धि, कुडोस, कुडोस वर्ड देखो, KUDOS, कुडोस, तो ये सभी वर्ड याद रखना, एस्टीम सम्मान के लिए आते हैं। अ पर्सन हु एस्टीम्स वुमन एज ए हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए सबसे बड़ा जो कोई है तो वो महिला है। क्यों? क्योंकि वही जो है हमें जन्म देने के लिए, वही मदर है, वही माता है, तो इसीलिए फाइलोजाइनिस्ट मतलब उच्च आदर्श रखना किसी महिला के लिए, दैट पर्सन इज नोन एज फाइलोजाइनिस्ट। और फिलेंडर कौन होता है? इश्कबाज। तो ये देखो किस तरह से वर्ड समझ में आ रहे होंगे आपको। देखिए अगला जो वर्ड आ रहा है वो है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी तो दर्शन शास्त्र होता है, ये पता ही है ना आपको, जैसे एपिक्यूरियन फिलोसॉफी चारवाक ने दी थी, सोफिस्ट फिलोसॉफी ग्रीक वालों ने दी थी, सोफिस्ट की फिलोसॉफी पढ़ना, ये सब एथिक्स और इंटीग्रिटी यूपीएससी वाले सेक्शन में आता है, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा एथिक्स और इंटीग्रिटी में, है ना। एरिस्टोटल इज हिमसेल्फ, है ना, आपने सुना होगा सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब आपने हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो ये क्रम हमेशा पूछा जाता है किस क्रम में थे, है ना, तो इन्होंने अपनी फिलोसॉफी दी थी, है ना। इमैनुअल कांट ने अपनी फिलोसॉफी दी, गांधी जी का अपना एक अलग ही फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र है, है ना, विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की और दयानंद सरस्वती की, तो ये सभी फिलोसॉफी होती है, दर्शन शास्त्र जो अपना एक मत देते हैं, सभी धर्मों की अपनी यूनिक फिलोसॉफी है ना। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजिस्ट आपको पता है ना, जैसे क्रिकेट के अंदर है ना, सभी टीम का अपना फिजियोलॉजिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट, वो क्या करता है कि यदि किसी प्लेयर को लगी है तो वो तुरंत ठीक करने के लिए क्या हो सकती है, ताकि वो तुरंत है ना रनिंग करने लग जाए, एक्टिव हो जाए, तो वो फिजियोलॉजिस्ट कहलाता है। द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, यदि आप किसी भी प्रकार की चोट लगती है या मोच आती है तो उस केस में है ना हम लोग क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए हमें, है ना, किसी को लकवा है ना, लकवा मार जाता है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, है ना, इस तरह के टर्म्स, बायोलॉजी के टर्म्स पता होने चाहिए। पॉलीएंड्री, ये वर्ड मैंने आपको पहले ही पूछ लिया, पॉली का मतलब बहुत सारे, एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, जिसके बहुत सारे पुरुष हों, बहुपतित्व, द्रौपदी वाला केस, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम इज पॉलीएंड्री। प्रोलॉग, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो एपिलॉग का मतलब उपसंहार, कंक्लूजन, लास्ट में लिखा जाता है किसी भी बुक के, प्रोलॉग पहले लिखा जाता है, प्रस्तावना, अ स्पीच एटसेट्रा एट द बिगनिंग ऑफ अ प्ले और बुक और फिल्म दैट इंट्रोड्यूस इट, जब शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की तो उसे प्रोलॉग कहेंगे।
206 जो है बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए यहां पर पी साइलेंट है और इसको सेफोलॉजिस्ट कहेंगे, पैसेफोलॉजिस्ट नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, सेफोलॉजिस्ट, है ना। तो देखिए भारत में बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट हैं, क्या करते हैं, आपने देखा है ना कि प्री पोल, प्री एग्जिट पोल आता है कई बार, इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल आता है, तो ये जो गणनाएं करते हैं ना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलग अलग जो है संसदीय क्षेत्र या विधानसभा के क्षेत्र में, कि कौन जीतना चाहिए, कौन जीतना चाहिए और ओवरऑल कौन जीतेगा, आपने देखा होगा भारत में ज्यादातर न्यूज चैनल के एग्जिट पोल सही भी आते हैं, तो उसको जो बना रहे हैं एग्जिट पोल को, वही सेफोलॉजिस्ट कहलाएंगे। अ इलेक्शन एनालिस्ट जो है, द स्टडी हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, किस थ्योरी पे, किस फिलोसॉफी पे उन्होंने वोट दिया और इस बार कौन सी, तो वो सेफोलॉजिस्ट कहलाते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि आप जो पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है उसमें एक बहुत महान सेफोलॉजिस्ट थे, है ना, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या, वो बहुत बड़े जो है ना चुनावी रणनीतिज्ञ भी माने जाते हैं आपकी पार्टी में थे, आज की तारीख में वो सेपरेट हो गए, तो सेफोलॉजिस्ट का नाम बताइए उनका। स्यूडोनिम्स, स्यूडोनिम्स क्या होता है कि फेक नेम, मतलब है ना जो ओरिजिनल नेम है ना, फिक्शियस नेम यूज्ड इंस्टेड ऑफ द रियल नेम, तो स्यूडोनिम्स कहलाएगा, ठीक है। उपनाम कई बार है ना, निकनेम टाइप से, मतलब वो किसी और नेम को यूज कर रहा है। स्क्लेरी क्या होता है, स्क्लेरी इज अ प्लेस वेयर नियर बाय द किचन, ओरिजिनली यूज टू वॉशिंग डिशेज और यूटेंसिल एटसेट्रा, अलग अलग बर्तनों को जो है ना मांजने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं, तो स्क्लेरी कहलाएगा, स्क्लेरी स्थान के लिए। सोशियोलॉजी सबको पता है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, सोशियोलॉजी अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है, अपने आप में रिसर्च का एरिया है और यूपीएससी के लिए मेंस का एक सब्जेक्ट भी है। तो स्पिंस्टर जो है, स्पिंस्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एन ओल्ड अनमैरिड वुमन, बुजुर्ग हो चुकी है लेकिन बूढ़ी है, तो वो स्पिंस्टर कहलाएगी, वृद्ध अविवाहित महिला, है ना, वो आपको याद रहेगा स्पिंस्टर। स्टोइसिज्म, ये स्टोइक जो है ना, स्टोइक, स्टोइक इज अ पर्सन हु रिमेन्स सिमिलर इन प्लेजर और पेन, सुख और दुख में एक जैसा ही रहता है, वही स्टोइक है। तो स्टोइक की जो फिलोसॉफी है वो स्टोइसिज्म कहलाई, इज्म लग गया तो भाववाचक संज्ञा हो गया, तो स्टोइक तो होता है वैरागी या रिक्लूज, और स्टोइसिज्म क्या हो गया, वो वैराग्य हो गया, जो धारण किया है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, रिक्लूज, सेंट, हर्मिट, सेज, सेलिबेट, एसेटिक, ये सभी साधुओं के लिए यूज में आते हैं। आप इनको कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कौन कौन से मैंने वर्ड्स बोले हैं सिनोनिम के तौर पे, है ना। सेफोलॉजिस्ट क्लियर है, 206, पॉलीएंड्री क्लियर है आपको, है ना, स्क्लेरी क्लियर है, स्पिंस्टर क्लियर है, कौन सी महिला है, अनमैरिड, है ना। और महिला फीमेल के ग्रुप को क्या कहते हैं वो जरूर मुझे बताइए। एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौए जो होते हैं मतलब क्रोज, उनके समूह को क्या बोलते हैं, ये मेरे को जरूर बताइए, है ना। और एक बताइए, सांपों के समूह को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ स्नैक्स, उन्हें क्या बोलते हैं। अगला देखो, ये बार बार वर्ड आ जाता है, थियोजाबी वर्ड आ जाए, भगवान से रिलेटेड है। थीस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी में आस्था रखता है, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भगवान है। एथीस्ट कौन होगा, वन हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो वो थीस्ट, एथीस्ट, थीज्म, एथीज्म। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पैंथियन क्या होता है, पैंथियन, है ना। आप मुझे बताइए थियोक्रेट्स कौन होते हैं, हु आर थियोक्रेट्स। आप मुझे बताइए थियोक्रेसी क्या होता है, व्हाट इज थियोक्रेसी, क्या दुनिया में किसी देश में थियोक्रेसी है क्या, उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर्स में, पिछले वाली जो लेक्चर्स हैं। यूनिवर्सल तो पता ही आपको, जो है ना, जो यूनिवर्सल लॉज है, यूनिवर्सल मॉरल लॉज है ना, तो डन बाय इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड और इन पर्टिकुलर ग्रुप, तो वो यूनिवर्सल चीज का मतलब जो सभी के लिए सर्वमान्य, सार्वभौमिक है। अगला जो वर्ड आ रहा है वो है वर्सेटाइल, जैसे अरिजीत सिंह इज अ वर्सेटाइल सिंगर, सोनू निगम इज अ वर्सेटाइल सिंगर, क्यों, क्योंकि अलग अलग जोनर में वो गा सकते हैं, एबल टू डू मैनी थिंग। जैसे कांसर जो है, कांसर की स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है कांसर, है ना। तो कांसर भी क्या होता है, किसी भी चीज में बहुत गहराई से समझ रखने वाला, पारखी, तो वर्सेटाइल याद रखना, एक ही है ना, बहुत सारी है। जैसे हु इज अ वर्सेटाइल, लियोनार्डो द विंची, है ना, उनके बारे में मैंने बताया था कि वो मूर्ति कलाकार भी थे, इंजीनियर्स भी, इंजीनियर भी थे, डॉक्टरी वाला भी चीज किया था उन्होंने, है ना, साइंटिस्ट भी थे, कई तरह के रिसर्च भी किए उन्होंने। जूलॉजी, जू का मतलब होता है जो जीव होते हैं, और जूलॉजी का मतलब पता है, प्राणी विज्ञान सबको पता है। एबडक्शन, एबडक्ट तो आपको सबको पता है, किसी का अपहरण कर लेना, है ना।
प्लेन वगैरह यदि होते हैं तो वो हाईजैकिंग कहलाता है। देखो अंतर समझो, हाईजैक हाईजैक प्लेन का होता है, एबडक्शन किसी व्यक्ति का होता है, एबडक्ट कर लिया, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब वन हु इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, एब्सोल्यूट, है ना, ही हैज एब्सोल्यूट पावर। एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आता है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। किसी के हाथ में यदि शक्ति आ जाती है तो करप्शन शुरू हो जाता है, लेकिन किसी के हाथ में पूर्ण शक्ति आ जाती है तो पूर्णतया करप्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए किसी भी सिस्टम में एक दूसरे के ऊपर नजर रखने वाले अलग अलग क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, कि ऐसा ना हो कि पूर्ण शक्ति किसी को मिल जाए, है ना। तो इसी तरह की बात को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना। देयर शुड बी नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेसी, देयर शुड बी अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना। तो एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होता है, किसी को बरी कर देना, माफ कर देना, एक्विट कर देना, है ना। एक्विट पता ही ना, एक्विट कर दिया। एक और वर्ड है एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब भी दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना। एक्विट का मतलब भी क्या है, बरी कर देना, है ना। तो इस तरह के वर्ड से याद रखना, टू डिसाइड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody is not guilty of crime। क्या मुझे आप बता सकते हैं क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं एमनेस्टी का मतलब क्या हो सकता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगला जो वर्ड आ रहा है 219, 219, एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब हाइट होता है, याद रखना, एक ही वर्ड याद रखना, एक्रो का मतलब हाइट, फोबिया का मतलब डर। तो ऊंचाई का जिसको डर है वो एक्रोफोबिया कहलाता है, है ना। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि कन्फाइंड प्लेसेस वाला जो फोबिया, किसी को बंद कर दिया जाए तो उस तरह का फोबिया क्या कहलाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर क्या कहलाता है, व्हाट इज नोन एज फियर ऑफ डेथ। एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, है ना। एक्चुअरी, एक्चुअरी कौन होता है, एक्चुअरी जो कलेक्शन रखता है अपने पास, पूरे बुक्स बही खाता रखता है, वह मुंशी, तो वो एक्चुअरी, ठीक है। समवन वर्स्ड इन कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, तो वो एक्चुअरी कहलाएगा, है ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इंटेस्टेट क्या होता है, इंटेस्टेट, हु इज एन इंटेस्टेट, इंटेस्टेट कौन होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। आप एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का नशे की लत लग जाना, आदि हो जाना, है ना। और अडिक्ट के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन का प्रयोग, अडिक्टेड टू, ये बात हमेशा याद रखना। वन हु इज वेरी, है ना, इंटरेस्टेड इन समथिंग, जैसे कई ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल, ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट्स, ये बात याद रखना। एडोलोसेंट तो किशोरावस्था होती है, जो यंग, है ना, यंग किशोरावस्था के लिए एडोलोसेंट का यूज करते हैं, एडोलोसेंट, है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे पूछा था कॉन्वेलेसेंट का मतलब, किसी भी स्टूडेंट ने उसका मतलब नहीं बताया, कॉन्वेलेसेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूछा था। और मुझे ये भी बताइए सेनेटोरियम क्या होता है, व्हाट इज सेनेटोरियम। आप देखिए, आप नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, आप आंसर्स देखे, इतने शानदार आंसर्स दे रहे स्टूडेंट्स आगे से आगे, है ना। इसी तरह का जोश यदि रहा ना तो मैं भी अपने आप में ना, मैं भी अपना 100% दे पाऊंगा आप लोगों को। एरियल का मतलब सबको पता है, एरियल व्यू दिखाई दे रहा है, हवाई व्यू, जब मैं एरोप्लेन से जाऊंगा एरियल व्यू, है ना। देखिए जो 224वां जो वर्ड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिसिज्म, ये दोनों, एग्नोस्टिसिज्म आ गया तो भाववाचक संज्ञा। एग्नोस्टिक क्या होता है भाई, आप मुझे खुद एक अपने आप से प्रश्न पूछ के बताए, क्या आपने कभी भगवान देखे, लेकिन हमने बना रखे कि ये भगवान है, वो भगवान है, ऐसा है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसको संशय है, वन हु इज डाउटफुल, वन हु इज ड्यूबियस, वन हु सस्पेक्ट्स That is there any presence of God or not in this whole universe? क्या भगवान है भी या नहीं है, तो यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और यही जो होता है ना, ऐसा व्यक्ति एग्नोस्टिक कहलाता है, संशयवादी, कि भगवान है या नहीं है, है ना। और एग्नोस्टिसिज्म ऐसी अवस्था जिसमें पता नहीं चल रहा कि भगवान है या नहीं अवस्था, तो उसको अज्ञेयवाद कहते हैं, अज्ञेयवाद। और एग्नोस्टिक का सही वर्ड क्या होगा, अज्ञेयवादी, जिसमें उसको ये नहीं पता चल रहा भगवान है या नहीं है। देखिए एलिमोनी वर्ड आ चुका है, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब भी कोई व्यक्ति किसी पत्नी को, किसी अपनी पत्नी को क्या करता है, तलाक दे देता है, डाइवोर्स दे देता है, तो उसे है ना अपना लगभग हाफ ऑफ द अमाउंट उसकी पत्नी को देना पड़ता है, यही एलिमोनी कहलाता है। द मनी दैट अ कोर्ट ऑर्डर समबडी टू पे रेगुलर टू हिज फॉर्मर वाइफ हस्बैंड व्हेन मैरिड इज एंडेड, जब शादी खत्म हो गई है तो फिर उसको निर्वाह निधि। एलिगरी, आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी, पैरेबल, पैरेबल और एलिगरी एक ही जैसे, उसमें नीति कथा जिसमें स्पिरिचुअल या अच्छे, है ना, कोई मॉरल, किसी भी एक स्टोरी से कुछ मॉरल, मॉरलिटी निकल के आए,
मतलब कोई आदर्श चीज निकल के आए, प्रतीक कथा। एलिगरी को प्रतीक कथा भी कहते हैं, पैरेबल को भी प्रतीक कथा भी कहते हैं ना, अ स्टोरी प्ले पिक्चर एटसेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर इवेंट्स इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया क्वालिटी सच एज ट्रुथ एविल डेथ। मतलब कुछ अच्छा कंक्लूजन निकल के आ रहा है। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में पूछा था एनेक्डोट्स का मतलब, वो भी नीचे आ गया। देखो अपने आप देखिए, 227वां जो वर्ड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एमबी का मतलब हमेशा याद रखना दो होता है, दोनों, दो के अंदर। दुविधा में सब गए माया मिली न राम। आप यदि दुविधा में रहेंगे ना, मुझे ये करना है या ये करना है, मुझे ये जॉब की तैयारी करनी है, इस जॉब की तैयारी करनी है, अल्टीमेटली यू विल रेस्ट विद नथिंग, आपके पास कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो अपना टारगेट शुड बी सिंगल, और वही आप अचीव कर सकते हैं। एमबी का मतलब ही, जैसे एमबी डेक्स्ट्रस, एमबी का मतलब क्या, दोनों हाथों से जो लिख सकता है, एमबी डेक्स्ट्रस एक्सपर्टली जो यूज करता है। तो एम्बिग्यूस का मतलब है इधर जाऊं या इधर जाऊं, कंफ्यूजन है। तो एम्बिग्यूस का मतलब ही अनक्लियर, कंफ्यूज, एम्बिग्यूस है ना। तो ये बात याद रहेगी, एम्बिग्विटी क्या होता है, डिलेमा, कंफ्यूजन की स्टेट। दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, नॉट क्लियरली डिफाइंड और स्टेटेड, जो कि पूर्णतया क्लियरली पता नहीं चलता है। तो ये बात क्लियर हो गई। 228वें शब्द से आपको तीन शब्द समझ में आ जाएंगे। एक तो होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, और एक होता है एम्बीवर्ट। तो एक्सट्रो का मतलब बाहर। आपने देखा होगा जो भी बहुत ही उम्दा टीचर है, बेस्ट फैकल्टीज हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए, क्योंकि वो जो एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, वो आपके मन में सेट होने चाहिए। पॉलिटिशियंस जो लॉयर हैं, वो सभी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो अपने अंदर अंदर सोचते हैं हमेशा, इंट्रोवर्ट है ना, अंतर्मुखी। जैसे जो साधु है, सन्यासी है, साइंटिस्ट है, वो लोग अपनी रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय बकवास करने के, तो इंट्रोवर्ट। और वो तो है, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। जैसे मैं एज ए फैकल्टी हूं, तो मैं अपना कोई लेक्चर तैयार कर रहा हूं तो मैं मनन करूंगा, मैं इंट्रोवर्ट फीचर धारण करूंगा। जब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक्सट्रोवर्ट है। तो अ बेस्ट टीचर शुड बी एन एम्बीवर्ट, जिसमें दोनों गुण हैं। एम्बी का मतलब मैंने बताया था ना, दोनों। तो जिसमें दोनों गुण है, जो अच्छा वक्ता भी है और अंदर की थॉट भी उसके बहुत गहरे हैं, वही महान हो सकता है। तो एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगेन मैं एक शब्द बोलूंगा, मध्यम मार्ग सबसे उत्तम होता है। आदमी को एक्सट्रोवर्ट भी होना चाहिए, इंट्रोवर्ट दोनों फीचर्स होने चाहिए, और दोनों के फीचर्स को क्या कंबाइन करके एम्बीवर्ट बोला जाएगा। मॉरल एथिक्स, इसका मतलब तो क्या होता है, नीति। एमोरल कौन हो गया, एमोरल है ना। एमोरल का मतलब इनफिडेल पर्सन इज एमोरल, हमेशा जो जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके वो नीतिहीन व्यक्ति है। लास्ट वर्ड मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, एनेक्डोट, लघु कथा। लघु कथा जो होती है ना, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इज नोन एज एनेक्डोट। ये मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था। क्या आप एंजॉय कर रहे हैं क्या, जरूर बताइए, यू आर एंजॉइंग और नॉट। और यदि किसी तरह का सुधार चाहिए, वो मैं सुधार करता हूं। आगे आने वाले समय में रूट वर्ड्स के अप्रोचेस को भी बताऊंगा आपको। कम से कम थाउजेंड्स ऑफ वर्ड यू विल बी फोर्टिफाइड विद इट इन। मैं जल्दी आपके लिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक पूरा कवर करने वाला हूँ। रमेश सिंह जो है इकोनॉमिक्स, वो पूरी कवर करूंगा। ज्योग्राफी की पूरी बुक कवर करूंगा, एनवायरनमेंट कवर करूंगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स को मैं आपके साथ लेके आने वाला हूँ, है ना। तो आप जरूर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। और तो कुछ मेरे को मिलेगा नहीं इसमें तो, है ना, ताकि क्या हो कि मेरा भी जोश बना रहे, क्योंकि मेरा आई एम पैशनेट टीचर, मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।